तो दोस्तों वीवो ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपने एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वीवो Y20 A को। जी हाँ, हालांकि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही वीवो Y20 और Y20 i लॉन्च हुए थे, जिसके स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक से थे। 10 से 15 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे फ़ोन आपको देखने को मिलते थे, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता था, 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती थी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 आपको देखने को मिलता था, फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी। तो सेम आपको हुबहू वही फ़ोन आपको रिप्लेस करके इस बार दे दिया है वीवो ने। कोई भी आपको कोई एक्स्ट्रा चेंज, आपको मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस के साथ ये फ़ोन आपको दोबारा से इंडिया में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च हुआ है। बात करें दोस्तों फ़ोन की बॉडी की, फ़ोन का बैक आपको पहले की तरह प्लास्टिक बैग ही मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट, ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 89% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो देखने को मिल जाएगा, 281 की PPI देखने को मिल जाएगी। फ़ोन की रेजोल्यूशन की बात करें तो 720:1600 की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, जो कि एक HD प्लस रेजोल्यूशन है। फ़ोन के अंदर आपको 3 GB रैम, 64 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर आपको मैं बता दूं 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ इसको चार्ज करने के लिए 10 वॉट का चार्जर भी वीवो प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इसमें आपको 18 वॉट का चार्जर तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों 10 वॉट का चार्जर ही वीवो आपको इस रेंज में प्रोवाइड कर रहा है। फ़ोन के बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 12 MP का, सेकंड कैमरा आपको 8 MP का और तीसरा कैमरा आपको 2 MP का मिल जाएगा। फ़ोन के फ्रंट में आपको 8 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। फ़ोन के OS की बात करें दोस्तों, फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और फ्रंट टच OS भी इसमें आपको 10 ही देखने को मिलेगा। सेंसर्स की बात करें, फ़ोन के अंदर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा पहले की तरह, जो कि आपको पता है बहुत ही फास्ट काम करता है। यहाँ की आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फ़ोन आपको 2 कलर से मिल जाएंगे, एक ब्लू कलर में, दूसरा व्हाइट कलर में। फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस बार प्रोसेसर में कुछ कटौती की है। पहले आपको स्नैपड्रैगन 460 मिलता था, लेकिन इस बार आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 वीवो ने प्रोवाइड किया है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वीवो ने कटौती की है, सेम प्राइस पॉइंट में आपको 460 मिलता था, लेकिन उसको हटा के 439 देना, ये कुछ समझ में नहीं आया वीवो की कौन सी गेम चल रही है। वो सीधी सी बात है, कस्टमर को लूटने वाली है। अब देखते हैं वीवो इसको इंडिया में लेके आता है तो कितनी इसकी सेल होती है, सक्सेस होता है नहीं होता। ये मोबाइल आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको इसको बाय करना है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाके इसको ईजी बाई कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन को वीवो ने प्रोवाइड किया, इस प्राइस पॉइंट में आपको और अदर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रियलमी का नार्जो मिल जाएगा, Poco M3, Poco M2 देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि अपने खुद का इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 देखने को मिल जाता है। तो आप जो है स्विच करके उन स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप वीवो के फैंस हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट से इसको बाय कर सकते हो।